खरखौदा शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन। खरखौदा शहर पक्का बाग फोटो मार्केट एसोसिएशन द्वारा रविवार 15 अगस्त को 8वां रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में आसपास के लोगों ने काफी उत्साह पूर्वक पहुंचकर रक्तदान किया। फोटो मार्केट एसोसिएशन द्वारा बीते कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर बार की तरह इस बार भी सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। रविवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निदान हॉस्पिटल की टीम रक्तदान करवाने के लिए पहुंची। लोगों ने इस बार भी शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। फोटो मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि राष्ट्र पर्व को मनाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें वह रक्तदान शिविर लगाकर समाज हित में अपना योगदान देते हैं। रक्तदान करवाने पहुंची निदान हॉस्पिटल की टीम के सदस्य श्याम पाहवा ने बताया कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। रक्तदान करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि रक्तदान के बहुत सारे फायदे होते हैं और रक्तदान करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। वही टीम के सदस्य जसबीर दहिया ने बताया कि खरखौदा शहर के पक्का बाग फोटो मार्केट एसोसिएशन द्वारा 8वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पुरुष व महिलाओं के साथ युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान शिविर में अपनी साझेदारी दी। इस शिविर में करीब 150 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। फौजी जसबीर दहिया का कहना है कि हमारी टीम द्वारा 15 अगस्त व 26 जनवरी को वर्ष में दो बार इस कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। फोटो मार्केट गली पक्का बाग एसोसिएशन के सदस्य मदन कुमार, डॉक्टर ओमबीर राठी, सत्येंद्र के अलावा प्रवीण दहिया, हैप्पी शर्मा, हनी शर्मा, अमित डागट, सुखलाल, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा, पवन कुमार, सतीश दहिया, राजेश सैनी, मुकेश सैनी, नितेश भारद्वाज, उत्तम सैनी, धर्मवीर सिंह, जसवीर फौजी, सत्यनारायण सरोहा, मुकेश शर्मा, मुकेश रिढ़ाव, अनिल दहिया व हैप्पी जेटली ने अपना सहयोग दिया। हम शाम है, हम निदान ब्लड पे निदान हॉस्पिटल सोनीपत से आए हैं। जी, आज का जो रक्तदान शिविर लगाया गया था, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? आज का रक्तदान शिविर बहुत ही अच्छा रहा है। उम्मीद से बढ़ के ही लोगों ने बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लिया है। पर मार्केट एसोसिएशन पक्का बाग की मेहनत से लगभग 150 यूनिट के आसपास ब्लड डोनेशन हुआ है। जी, रक्तदान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? रक्तदान करना एक बहुत ही नेक कार्य है। एक तो क्या होता है, इससे किसी की जिंदगी ही बचेगी, और दूसरा जो इंसान ब्लड डोनेट करता है उसके फ्री के टेस्ट हो जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन उसका हो जाता है, HIV हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है, VDRL, मलेरिया, ये छः टेस्ट फ्री हो जाते हैं। अगर कोई बीमारी हो तो उनको सूचित किया जाता है? हाँ, अगर मान लो किसी ब्लड डोनर जो डोनेशन करके हमारे पास से गया हुआ है, उसको कोई बीमारी होती है तो हम उसको सूचित करते हैं, उसको अपने यहाँ ब्लड बैंक में बुलाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, और उसके बाद उसको प्राइवेट में इलाज कराना चाहिए वो प्राइवेट में कराए, सरकारी में जाना चाहिए सरकारी में जाए, उन दोनों तरफ के उनको पर्ची बना के दे दी जाती है। तो डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन करने के फायदे क्या क्या होंगे? ब्लड डोनेशन के फायदे ये होते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन का लेवल बराबर रहता है, और दूसरा जो ब्लड डोनेट करते हैं उनका BP कंट्रोल में रहता है, शुगर भी कंट्रोल में रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे रक्तदान किसी व्यक्ति ने कर दिया है तो कितने समय के बाद ये पूरा हो जाता है? ये तो 24 घंटे में ही उसका वॉल्यूम पूरा हो जाता है। तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को ब्लड डोनेशन के बारे में? ब्लड डोनेशन तो हर इंसान को बढ़ चढ़ के करना चाहिए जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ब्लड की कमी से एक्सीडेंटल केस, प्रेगनेंट लेडीज 10% उनकी डेथ हो जाती है। खैर, हमारे ये एरिया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन तरफ तो लोग कुछ जागरूक हैं, वो दूसरे प्रदेशों में जागरूक नहीं हैं। अब सभी को चाहिए कि मिलजुल के सभी को जागरूक किया जाए, जिससे ब्लड की जो कमी है किसी पेशेंट की जान पे ना, यानी किसी की जान बचाई जा सके। ब्लड से ही जान बचाई जाती है। जी, आपका नाम डॉक्टर साहब? मेरा नाम श्याम है, श्याम। सर, मैं जसवीर सिंह हूँ, गांव मटिंडू से, ex-BSF हूँ, 30 साल 10 महीने और 19 दिन BSF में नौकरी करके आया हूँ, और पिछले 4 सालों से दिल्ली पोस्टेड था, जिससे पक्का बाग मार्केट एसोसिएशन से जुड़ा और लगा हुआ मेरा, और हमने एक ये प्रोग्राम बनाया कि वही ब्लड डोनेट कैंप लगाएंगे।
इससे बहुत सारे फायदे हैं। और कई जगह मैंने देखे एक्सीडेंट केस और इनमें जो हमारे को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड न मिलने के कारण बहुत सी घटनाएं घटती हैं। इन सभी को हमने देख नज़र में रखते हुए हमने सोचा कि भाई ऐसा काम किया जाए जिसमें हम किसी इंसान की जान बचा सकें। और ये हमारा 8वां कैंप है, 15 अगस्त और 26 जनवरी साल में 2 बार हम ये कैंप लगाते हैं। और ब्लड देने से हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और सुना भी है डॉक्टरों से भी, और खुद का एक्सपीरियंस हमारा है कि कोई भी हमारा जो है बीमारी नहीं आती, नहीं कमजोरी आती, बल्कि पहले की अपेक्षा हम स्वस्थ रहते हैं। और इसी की चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सभी ने ये फैसला किया है भाई साल में 2 बार हम ब्लड डोनेट कैंप लगाएंगे, और आगे भी जो भी हमारे युवा हैं वो ब्लड जनरेशन में भाग ले। और इस कैंप में हमारे करीब 150 डोनरों ने ब्लड डोनेट किया है, और आशा करते हैं हम कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और किसी की जान बचाने में सहयोग करें। किस टीम से आप जुड़े हो ब्लड डोनेट? ये हमारा पक्का बाग मार्केट एसोसिएशन की जो एक मार्केट में कमेटी है हमारी, हमारा राजनीति से कोई लेन देन नहीं है। हम सिवाय ज़रूरतमंद आदमियों को हमारा ब्लड अच्छे सदुपयोग हो सके, इसी कारण हम ये अपना कैंप लगाते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।